सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को जब पानी में घोलते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप जानते हैं कि NaOH प्रबल क्षार है और HCl भी प्रबल क्षार है, तो प्रबल अम्ल है। दोनों प्रबल होने के कारण जो बिल हमारा लवण बनता है वो उदासीन होगा, कैसा होगा? उदासीन होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रबल है और अम्ल भी प्रबल है, दोनों प्रबल है। तो जब दोनों प्रबल होते हैं तो लवण आपका उदासीन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम Na2CO3 की बात करें, इसको जब हम पानी में घोलते हैं तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऊपर लिखा हुआ है, H2CO3 का नाम है कार्बोनिक अम्ल, क्या नाम है? कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, जो कि एक दुर्बल अम्ल है, कैसा अम्ल है? दुर्बल, और क्षार कैसा है? क्षार एक प्रबल अम्ल है, क्षार एक प्रबल अम्ल जिसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अम्ल दुर्बल है और क्षार कैसा है? प्रबल है, इसलिए लवण कैसा होगा? क्षारी लवण कैसा होगा? क्षारी लवण। ये कैसा लवण था? उदासीन लवण, ठीक है। तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना होता है, इसलिए यह उदासीन होता है। आपका उत्तर कैसे होगा? सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना होता है, इसलिए यह कैसा होता है? उदासीन होता है। किंतु सोडियम कार्बोनेट प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिलकर बना होता है, इसलिए यह कैसा होता है? क्षारीय लवण होता है, जिसकी स्ट्रेंथनेस ज्यादा होगी, जो ज्यादा प्रबल होगा वह उसी तरह का लवण बनाएगा। एक बार लिख देता हूं यहां पर उत्तर को, ये समीकरण लिखेंगे, समीकरण के साथ क्या लिखेंगे? सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से मिलकर बना होता है
होता है, इसलिए उदासीन होता है, उदासीन होता है। जबकि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 दुर्बल अंग व प्रबल क्षार से मिलकर बना होता है, अतः कैसा होता है, क्षारी लवण, क्षारी लवण होता है। क्लियर, आप हम समझते हैं इसका उत्तर आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि मैंने पहले क्या किया था, आपको कैसे पता चलेगा ये उदासीन है, इसको पानी में घोलेंगे, पानी में घोलने पर अम्ल और क्षार बनता है ना, तो प्रबल अम्ल बन रहा है और प्रबल क्षार बन रहा है, और जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण उदासीन होता है ना? जबकि सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोलने पर क्या बनता है, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, क्योंकि स्ट्रांगनेस किसकी ज्यादा है, क्षार की, प्रबल क्या है, क्षार है, इसलिए लवण कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब उत्तर इसका कैसे लिखेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना होता है, इसलिए यह लवण उदासीन होता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना होता है, इसलिए वह कैसा होता है, क्षारीय होता है। यह उत्तर आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए, और इस तरह का प्रश्न आ गया है, कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताया भी था, उसमें क्या करना है आपको कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों है तो लवण कैसा होगा, उदासीन लवण। ठीक है, और यदि अम्ल प्रबल है और क्षार कैसा है, दुर्बल है, दुर्बल क्षार है, तो लवण कैसा होगा, अम्ली लवण होगा, अम्ली लवण होगा। ठीक है, चलिए, और यदि दुर्बल अम्ल है और क्षार प्रबल है तो लवण कैसा होगा, क्षारी लवण होगा। और लास्ट में अगर दुर्बल अम्ल है और क्षार भी दुर्बल है, क्षार भी दुर्बल है तो लवण कैसा होगा, उदासीन होगा।
ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, दोनों प्रबल हो या दोनों दुर्बल हो तो लवण कैसा होगा? उदासीन होगा। लवण कैसा होगा? उदासीन होगा। इसके विपरीत जो भी प्रबल होगा, अगर अम्ल प्रबल है तो लवण अम्ली होगा, और अगर क्षार प्रबल है तो लवण कैसा होगा? क्षारीय होगा। ये चीज आप ध्यान देंगे, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, इसके अलावा कोई भी प्रश्न आता है तो। अब आगे हम लोग प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, दोनों के दो दो उदाहरण लिखिए। ये आपके प्रश्न बैंक में प्रश्न दिया हुआ है, मैंने आपको बोला भी था कि सभी लोग प्रश्न बैंक का फोटोकॉपी करा लीजिए, प्रिंट आउट करवा करके वो आपके अपने पास रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अम्ल क्षार और लवण के सब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, दोनों के दो दो उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? देखिए ये सूचक होते क्या है? सूचक इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब पहचान करता, जो दूसरे को पहचानता है। तो यहां पर हम जिस पहचान करता की बात कर रहे हैं, जिस इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, उसको हिंदी में सूचक बोलते हैं। वो अम्ल क्षार के लिए, अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर चल रहा है इसमें जो है, तो हम लिटमस पेपर के थ्रू अम्ल क्षार को पहचानते हैं, और कुछ केमिकल रासायनिक सूचक होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनाफ्थलीन हो गया, इनके द्वारा हम अम्ल क्षारों की पहचान करते हैं। और कुछ सूचक प्राकृतिक भी होते हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर कपड़े में हल्दी लगी हो, कपड़े में हल्दी लगी हो और उसको फिर आप साबुन में डालते हैं धोने के लिए, तो वह लाल हो जाता है। इस तरह से वहां हल्दी भी सूचक का काम कर रहा है, मतलब हल्दी क्षार के साथ लाल रंग देता है। इसी तरह से आप लिटमस के थ्रू भी देखते हैं, और हम लोगों ने अंतर पढ़ा है अम्ल क्षार के अंतर में, कि अम्ल वह होता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार वह होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। प्राकृतिक सूचक नेचुरल, प्रकृति प्रदत्त, जो हमें प्रकृति द्वारा मिलता है, है ना, केमिकल ना हो, रसायन ना हो। तो ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है, प्रकृति से प्राप्त होने वाले ऐसे पदार्थ जिसके माध्यम से अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, प्राकृतिक सूचक क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो
अम्ल व क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं, भिन्न भिन्न रंग देते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। प्रश्न आप क्या था? प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, इनके दो दो उदाहरण दीजिए। तो प्राकृतिक सूचक क्या है? ऐसे सूचक प्रकृति द्वारा प्राप्त होने वाले, प्रकृति से मिलने वाले ऐसे सूचक, ऐसे सूचक जो अम्ल क्षार को के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। ऐसे सूचक को क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक। अब इसका उदाहरण ले लीजिए, इसका उदाहरण है हल्दी। गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल। और आप बता सकते हैं लिटमस। लाइकेन एक पेड़ होता है, उस लाइकेन से लिटमस का, लाइकेन के रस से लिटमस पेपर का निर्माण होता है और उसके द्वारा हम अम्ल क्षार को आसानी से पहचान सकते हैं। तो उसमें जो लाइकेन का, लाइकेन एक पौधा है और चूंकि प्रकृति से प्राप्त होता है इसलिए इसको भी, लिटमस को भी हम प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका प्राकृतिक सूचक के बाद क्या है? संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक इसको सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोलते हैं। क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। और इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। अब ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर को आप मैन मेड इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित सूचक। ठीक है, तो ऐसे सूचक जो या प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले ऐसे पदार्थ, प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, जो अम्ल और क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक। इन्हें मैन-मेड इंडिकेटर भी बोलते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित सूचक भी बोलते हैं। तो मनुष्य जो है किससे बनाता है? प्रयोगशाला में बनाता है, प्रयोगशाला कंपनियों में बनाता है, फैक्ट्रियों में बनाता है और रसायनों का उपयोग करता है। ऐसे रसायन के नाम आपने सुना होगा, ऐसे सूचकों का नाम, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनाइलथैलीन हो गया। ठीक है, ये सब आपके सिंथेटिक इंडिकेटर के अंतर्गत आते हैं। अभी आपने जादू नहीं विज्ञान में एक प्रयोग किया था, अतिथियों का स्वागत, उसमें आप कौन सा इंडिकेटर उपयोग किए थे? उसमें आप फिनाइलथैलीन और थायमोलथैलीन का उपयोग किए। तो फिनाइलथैलीन क्षार के साथ पिंक कलर देता है, गुलाबी रंग देता है, इसलिए फिनाइलथैलीन से लिखा हुआ अक्षर गुलाबी हो जाता है, जबकि थायमोलथैलीन
इंडिकेटर छाप के साथ नीला रंग देता है, है ना। ये जो है तो सिंथेटिक इंडिकेटर है, संश्लेषित सूचक। इसको आप लिख सकते हैं मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में रसायन के माध्यम से बनाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो अम्ल क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं, भिन्न भिन्न, इसको दो बार लिखता हूं, भिन्न भिन्न रंग देते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं या संश्लेषित सूचक बोलते हैं। ऐसे मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले ऐसे पदार्थ रसायन के माध्यम से, केमिकल के माध्यम से बनाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो अम्ल क्षार की पहचान करते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, जो अम्ल क्षार की पहचान करते हैं या अम्ल व क्षार को के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते? दो तरह से लिख सकते हैं, मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले रसायनों के माध्यम से बनाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो अम्ल क्षार की पहचान करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर अम्ल और क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। इस तरह के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक। इसका उदाहरण है मेथिल ऑरेंज, और फिनाइलएथिलीन, ये थाइमोथैलीन, ये सब सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल है, यानी संश्लेषित सूचक के उदाहरण। ये आपका प्रश्न हो गया कि प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, उनके उदाहरण दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है आपका, प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, इनके दो दो उदाहरण दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनी लिखा हुआ है, यहां पर आपको सुधार लेना है, यहां पर लिखना है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये प्रश्न आपको हम करा चुके हैं, लेकिन फिर से उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं और आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो जिसमें अम्ल क्षार से लवण, अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और पानी बनता है, अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और पानी बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यह अभिक्रिया कई बार पूछी जा चुकी है और बहुत ही सरल अभिक्रिया है, बहुत ही सरल अभिक्रिया है। इसकी परिभाषा सभी लोग लिख सकते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बार बार पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अवश्य रूप से नहीं बनता है तो इसको याद रखिए, इसका उदाहरण भी याद रखिए। परिभाषा आप मेरे समझ से लिख लिए होंगे कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका ढेर सारे उदाहरण है ना। आप कोई भी एक उदाहरण दे दीजिए, कोई भी अम्ल ले लीजिए, कोई भी क्षार ले लीजिए, दोनों से क्रिया कराएंगे तो लवण और पानी बनेगा। जैसे उदाहरण लिख देता हूं, HCl ले लीजिए अम्ल, NaOH क्षार हो गया आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बनेगा आपका NaCl प्लस H2O, ठीक है। और आपको समीकरण लिखते नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा समझ लीजिए कि हाइड्रोजन धनात्मक आयन होता है, क्लोरीन पर ऋणात्मक आयन ऋण आवेश होता है, सोडियम पर धन आवेश होता है और हाइड्रोक्साइड आयन पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो धन को, धन आवेश को ऋण आवेश से आप जोड़ दीजिए, उसको बोलते हैं न्यूट्रल होना, उदासीन होना। जैसे यहां पर हाइड्रोजन आयन है धनायन है और हाइड्रोक्साइड आयन पर ऋण आवेश, एच पॉजिटिव और OH निगेटिव क्या बन जाएगा H2O, ठीक। इसी तरह से Na पॉजिटिव Cl निगेटिव जुड़कर क्या बनाएगा NaCl, कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं, सामान्य लवण, हम जो है नमक जो खाने में उपयोग में लाते हैं, ठीक है। ऐसे ढेर सारे उदाहरण लिख सकते हैं आप। दूसरा अम्ल क्षार ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया आपका HNO3, HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्षार में ले लीजिए KOH, मतलब आप कोई भी अम्ल और क्षार लेकर के इसका उदाहरण दे सकते हैं। हाइड्रोजन पर प्लस आवेश आएगा, नाइट्रेट पर ऋण आवेश आएगा, इसी तरह से के पर प्लस आवेश आएगा, हाइड्रोक्साइड आयन पर ऋण आवेश आएगा। ये जो मैं प्लस और ऋण आवेश लिख रहा हूं, ये आपको समझने के लिए लिख रहा हूं कि आप प्रोडक्ट को आसानी से लिख सके। पता चला आप अभिकारक लिख दिए और उत्पाद नहीं लिख पा रहे, तो आप अभिकारक के माध्यम से ही, अभिकारक के हेल्प से ही आप उत्पाद को आसानी से लिख सके। पॉजिटिव है इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, लिख लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। इसको पता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ऋणात्मक आयन क्या है नाइट्रेट, और धनात्मक आयन क्या है पोटेशियम, तो धनात्मक आयन ऋणात्मक आयन से जुड़ जाएगा और जब जुड़ जाएगा तो बनाएगा KNO3, KNO3 इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, क्या होते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट। और दूसरा धनायन कौन सा है, हाइड्रोजन पर धनायन है और हाइड्रोक्साइड आयन पर ऋण आयन, तो धनायन ऋणायन से जुड़ेगा क्या बनेगा H2O बनाने, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण हुए, ऐसे ढेर सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं, लाखों उदाहरण। ये था आपका क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है।
तो उदासीनीकरण का परिभाषा हो गई और उदाहरण हो गया। अवश्य जो बच्चे कमजोर हैं वो जरूर इस अभिक्रिया को याद रखें, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है, तो यह सरल अभिक्रिया है, आसानी से आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है? आपके प्रश्न बैंक में अगला प्रश्न है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है? चलिए इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग ब्रश करते हैं, ब्रश क्यों करते हैं? एक तो माउथ में, मुंह में फ्रेशनेस लाने के लिए। फ्रेशनेस कैसे आता है? आप जिस दिन ब्रश या दातुन नहीं करते हैं तो आपको जो है कंफर्टेबल फील नहीं होता है। इसके अलावा आपके मुंह कुछ खट्टा खट्टा सा लगता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी आप भोजन करते हैं, जो खाना खाते हैं, है ना, उसमें शर्करा भी होता है, ग्लूकोज भी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीव विज्ञान में कि शर्करा, शर्करा से ग्लूकोज, ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है। तो हमारे मुंह में जो शर्करा युक्त भोजन है, भोज्य पदार्थ है, उसका निम्नीकरण होता है, उसका अपघटन होता है, क्योंकि मुंह में कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। उन बैक्टीरिया की उपस्थिति में मुंह में शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों का अपघटन होता है, निम्नीकरण होता है, अर्थात वो सड़ जाते हैं। मुंह में, दांत में कुछ खाद्य पदार्थ फंसे होते हैं, पानी पीने के बाद भी कहीं कुछ खाद्य पदार्थ के टुकड़े फंसे रहते हैं। बैक्टीरिया की उपस्थिति में उनका निम्नीकरण होता है, अपघटन होता है, और अंततः फाइनली वह अम्ल में, वह खट्टा खट्टा मुंह में प्रतीत होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मुंह में अम्ल बन जाता है, और जब मुंह में अम्ल बन जाता है तो आप जानते ही हैं कि अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। तो यह पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, और जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो जो दांत में क्षय होने लगता है, दांत खराब होने लगता है, दांत सड़ने लगता है ना। इसीलिए बोला जाता है कि हमें शाम को भी, डिनर के बाद, सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए, ताकि मुंह में उपस्थित जो खाद्य पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े कहीं अगर दांत में या मुंह में फंसे हुए हो वो बाहर हो जाए, पूरी तरह से मुंह साफ हो जाए, जिससे अम्ल ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ का निम्नीकरण होता है, और जब इनका निम्नीकरण होता है, अपघटन होता है, तो इस अम्लता, अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है। अर्थात इस मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, जिसके कारण दंत क्षय होने लगता है या दांत खराब होने लगता है। चलिए इसका उत्तर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हम आंसर 8 लिखा रहे हैं। कौन सा आंसर है? 8 नंबर। ठीक है, तो आपको लिखना है मुंह में शर्करा
बस्ती में बैक्टीरिया की उपस्थिति में शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों का अपघटन या निम्नीकरण। आप मेरे को कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण होता है फलतः मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और इस तरह दंत क्षय होने लगता है। यह दांत खराब हो जाता है। ठीक है, इस तरह से उत्तर आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? जब हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं या शर्करा युक्त भोजन भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो मुंह में क्या होता है? शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ का अपघटन होता है, सड़ जाते हैं, निम्नीकरण हो जाता है, जिसके कारण अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। मुंह में खट्टा खट्टा भी लगता है। अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण पीएच का मान कम हो जाता है और इतना कम हो जाता है कि 5.5 से भी कम हो जाता है। अब जानते हैं कि अम्ल बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सा है दांत को क्षरण करेगा, दांत को खराब करेगा, क्योंकि अम्ल को आप जानते हैं, अम्ल को पहचानते हैं कैसा क्या होता है भाई। दुर्बल अम्ल भी होता है, प्रबल भी अम्ल होता है। हमारे शरीर में या फिर मुंह में जो बन रहा है वो दुर्बल अम्ल है, लेकिन ऐसे ऐसे प्रबल अम्ल है कि लोहे को धातुओं को भी घोल देते हैं। एक्वारेजिया का नाम सुना होगा आपने, बताया था अम्लराज HCl और HNO3 के मिश्रण में सोना चांदी सुनार डाल देता है, उसको घोल देता है। तो हम उसकी स्ट्रांगनेस की बात कर रहे हैं, उसकी ताकत की, उसकी शक्ति की बात कर रहे हैं कि जो प्रबल अम्ल होते हैं वो धातुओं को भी घोल देते हैं। लेकिन यहां पर जो हमारे मुंह में अम्ल बनता है वह दुर्बल अम्ल होता है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव होता है। उसका प्रभाव यह होता है कि हमारे दांत जो है धीरे धीरे क्षरित होते जाते हैं, घुलते जाते हैं, खराब होते जाते हैं। उसको हम कभी कभी बोलते हैं सड़ते जाते हैं। आपने कई लोगों का देखा होगा दांत सड़ जाते हैं, उसका कारण यही है। ठीक है, मुंह में अम्लता बढ़ने के कारण। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के
इसमें है आपका ब्रिंजक चून, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सभी का एक एक उपयोग लिखना है। तो चलिए हम इसको ऐसे ही आपको उपयोग बता देते हैं, आप इनका कुछ उपयोग जानते भी हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। पहला आपका सोडियम ब्रिंजक चूर्ण, ब्रिंजक चूर्ण। दूसरा है बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा। और चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग पूछा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, अगर परीक्षा में पूछ दिया तो आना चाहिए, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा? ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2। बेकिंग सोडा का सूत्र है, बेकिंग सोडा मतलब होता है खाने वाला सोडा, जो बेकरी में उपयोग होता है। ये आपका NaHCO3। नेक्स्ट है आपका धोने का सोडा, धोने का सोडा धावन सोडा भी बोलते हैं इसको। इसका सूत्र है Na2CO3 10H2। 10 अणु पानी के रहते हैं, इसीलिए इसको जलीय लवण बोला जाता है, जबकि बेकिंग सोडा जलीय लवण नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है NaOH, ठीक है। ये था इसका फॉर्मूला। अब हम जिसके उपयोग का डिसीजन कर लेते हैं, ब्रिंजक चूर्ण और सभी का एक एक उपयोग बताना है। तो ब्रिंजक चूर्ण का उपयोग है पानी को साफ करने के लिए, पानी में डालने पर यह क्लोरीन गैस देता है। क्लोरीन क्या है? कीटाणुनाशक है। क्लोरीन क्या है? कीटाणुनाशक है। और इस तरह से पानी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और पानी स्वच्छ हो जाता है, कीटाणु रहित हो जाता है। तो पानी को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, और चूने का पानी का दूसरा उपयोग हो जाएगा, चूने का पानी बनाने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण के लिए, ठीक है। आपके गाइड में, किताब में भी लिखा हुआ है, बेकिंग सोडा का उपयोग, जिसको बोलते हैं खाने का सोडा, इसका उपयोग जो है तो बेकरी में किया जाता है, जहां पे ब्रेड बनता है, पाव बनता है, केक बनता है, बेकरी में इसका उपयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा का उपयोग फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स को बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। आपने देखा होगा कि टॉकीज में, विद्यालय में, हॉस्पिटल में एक सिलेंडर लाल रंग का टंगा रहता है, उसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भरा रहता है, और प्रेशर के साथ जहां पर आग लगी होती है वहां पर चालू कर देते हैं, तो जो आग है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण बुझ जाती है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। अगला है धोने का सोडा, साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, धोने का सोडा, और कांच और कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। धोने का सोडा का उपयोग कांच उद्योग और कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, धोने के सोडा का, जिसको हम धावन सोडा बोलते हैं। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल प्रबल क्षार है, और इस प्रबल क्षार का उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, और इसका उपयोग साबुन बनाने के लिए भी किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह से यह आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आज के लिए इतना ही। कल जो है तो हम अगला चैप्टर
एक दो क्वेश्चन और है उसको कराने के बाद नेक्स्ट चैप्टर मींस मेटल्स और नॉन मेटल का डिस्कशन करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू। Dear students, good afternoon. We will have class 12th English classes. Class 12th. मुझे ऐसा लगता है कि अभी 10th class की classes चल रही थी विज्ञान की, अब हम 12th class की English पढ़ेंगे. So, I request class 12th student to be seated in their respective smart class rooms. Class 12th. लेट हो चुका है, 50 है।